एक बहुत अच्छा केस हमारे एक कुंडली वे एक्सपर्ट ने, मतलब जिसे कहते हैं कि विद प्रूफ उन्होंने केस किया है। अब उनका केस सुनो। उनके पास एक का फोन आता है, वो क्या कहते हैं कि मेरी मदर को कैंसर है, ये कैंसर सेकंड टाइम हुआ है। जो पहला कैंसर होता है, फर्स्ट टाइम कैंसर होता है, वो बहुत इजीली ट्रीटमेंट के साथ निकल सकता है, लेकिन जब सेकंड कैंसर आता है तो बॉडी ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होती। वो हैवी ट्रीटमेंट होते हैं ना वो रेडिएशंस के, और एक एज के बाद तो वो बिल्कुल ही डल हो जाता है। अब उनके पास ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में ये देखो लिखा है कि डिजीज जो है प्रोग्रेसिव है, कैंसर की डिजीज प्रोग्रेसिव है और ब्रेन में आ रहा है। ब्रेन का कैंसर आने के बाद डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि देखो ट्रीटमेंट तो हम करेंगे, ये आप लोग जिस जिस से निकले हो आप लोगों को पता होगा, मेरे को तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रीटमेंट तो जो ट्रीटमेंट है वो तो है लेकिन 2-3% चांस है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कुंडलीवे एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट किया। कुंडलीवे एक्सपर्ट ने बोला कि इनकी पत्री देखी और इनको बोला कि ठीक है अब अभी टाइम नहीं होगा उनके पास, तो उन्होंने बोला करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी को कॉन्टैक्ट किया, जो क्लाइंट है उन्होंने अपने गुरुजी को कॉन्टैक्ट किया। गुरुजी को से पूछा कि जी लाइफ है क्या, मदर की लाइफ है क्या? तो गुरुजी ने बोला कि नवंबर तक ही है। ठीक है, ये उनकी पत्री है, आपके पास हेल्थ केस 2 है, आप पहले सुन लो, आप सुन लो। उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला नवंबर तक है। अब कुंडलीवे एक्सपर्ट ने जब केस देखा तो उसको भी लगा करंट महादशा देख के, करंट महादशा और करंट अंतरदशा देख के कि हां चांस है कि लाइफ ना हो। ठीक है, मतलब सितंबर 2016 में क्वेश्चन था, सितंबर 2016 के बाद अंतरदशा चेंज होके रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, कुंडलीवे एक्सपर्ट ने भी साफ बोला कि हां जी दिख रहा है पत्री में कि बड़ी दिक्कत है, समय तो अच्छा नहीं है हेल्थ वाइज और मेंटली पेन तो बहुत रहने वाला है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको, पेन दिख रहा है आपको जी। ऐसा ही उन्होंने देख के बोला कि पेन है, तो उन्होंने बोला जी कुछ हो सकता है क्या इसमें, रिपोर्ट आ चुकी है कि रिपोर्ट में आ चुका है कि डिजीज प्रोग्रेसिव है। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे को इस केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम 8th की एस्ट्रो रेमेडी करा दें, 8th का इफेक्ट कम करने वाली रेमेडी करा दें। तो उन्होंने जो आप लोगों ने रेमेडी सीखी, उन्होंने वो रेमेडी अप्लाई करी और जिस के लिए डॉक्टर भी हां बोलने के लिए तैयार नहीं था, उस केस का ये देखो रिजल्ट देखो, थेरेपी ने रिस्पॉन्स कर दिया और उनका कैंसर खत्म हो गया। ये विद रिपोर्ट प्रूफ दे रहे हैं वो आपको। सितंबर में उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराया रेमेडी से, और जनवरी की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि सजेस्टिव रिस्पॉन्स टू थेरेपी। इवन डॉक्टर्स ने बोल दिया कि कैसे पॉसिबल है कि इस एज में सेकेंड ट्रीटमेंट ये झेल गई बॉडी।